हेलो डियर लर्नर्स, आपका स्वागत है 15 मिनट वोकैब के सेशन नंबर 5 में। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। देखिए, द फर्स्ट वर्ड इज रेस्टिव। रेस्टिव इज एन एडजेक्टिव। ये वर्ड एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है रेस्टलेस, इम्पेशेंट, अनक्वाइट, एजिटेटेड। अगर कोई पर्सन या कोई नेशन या कोई स्टेट एक ऐसी अवस्था में हो कि जहां पर वो रेस्टलेस हो, उनमें एक तरीके की बेचैनी हो किसी डर की वजह से, ठीक है, या वो अनक्वाइट हो, वहां पे मतलब क्वाइट ना हो, अफरा तफरी हो, एजिटेटेड हो, ठीक, तो एक स्टेट और होती है, एक वर्ड होता है जिटरी। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। रेस्टिव का मतलब नॉट एट पीस, जो मतलब शांति में नहीं है, मतलब जो शांति की इस अवस्था में नहीं है वो रेस्टिव स्टेट में है, ठीक है। किसी भी वजह से, कोई मतलब अकाल की वजह से, किसी मतलब हमले की वजह से या सिविल वॉर की वजह से, इफ या कोई पर्सन ही, अगर इफ समवन इज रेस्टिव तो इट मीन्स ही इज नॉट रेस्टलेस, ही इज नॉट एट ईज, जो एट ईज नहीं है। अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे। 7 पुलिसमैन वर किल्ड इन एन इंसर्जेंट असॉल्ट ऑन पुलिस चेक पॉइंट आउटसाइड द रेस्टिव सिटी ऑफ बकुआ। बकुआ एक सिटी है, मतलब गल्फ कंट्री में किसी में। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि 7 पुलिसमैन जो है उनको मार दिया गया एक असॉल्ट में, एक हमले में किसी चेक पॉइंट पर। और कहाँ पर ही हमला हुआ? आउटसाइड द रेस्टिव सिटी ऑफ बकुआ। बकुआ जो सिटी है, रेस्टिव सिटी, रेस्टिव का मतलब वहाँ पर सब अनक्वाइट है, मतलब लोग वहाँ पर क्योटिक है, सब व्यवस्था पीसफुल नहीं है वहाँ पे, क्योटिक है, ठीक है। तो रेस्टिव का मतलब जो रेस्टलेस है, जहाँ पे सब अफरा तफरी है। नेक्स्ट वर्ड आ गया एक्सटॉल। एक्सटॉल इज अ वर्ब एक्चुअली, दिस वर्ड इज अ वर्ब। मैं पहले इसके आपको सिनोनिम्स बता देता हूँ, फिर इसका मीनिंग बताता हूँ। एक्सटॉल का मतलब हो गया एक्साल्ट, ग्लोरीफाई, प्रेज, अक्लेम, यूलोजाइज, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी को प्रशंसा करना, किसी को एडमायर करना बहुत ज्यादा, उसको हाई पोजीशन करना, उसका बहुत ज्यादा मतलब रिगार्ड करना। एक्सटॉल करना मतलब किसी को बहुत ऊंचा पद देना, बहुत ऊंचा सम्मान देना, बहुत ज्यादा सम्मान देना, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए। द स्पीकर वॉज एक्सटॉलिंग द वर्च्यूज ऑफ द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। कि जो स्पीकर था, जो भी वक्ता था, जो स्पीच दे रहा था, वो क्या कर रहा था कि जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के वर्च्यूज हैं, उनकी जो क्वालिटीज हैं, उनके जो गुण हैं, उनकी मतलब बड़ाई कर रहा था, उनको यूटिलाइज कर रहा था, उनकी प्रेज कर रहा था, मतलब उनके फेवर में अच्छी अच्छी बातें बता रहा था, ठीक है, गुणगान कर रहा था। नेक्स्ट आ गया विकैरियस। विकैरियस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। ये वर्ड एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब आप मान सकते हैं सेकेंडरी, डिराइव्ड, एक्सचेंजेबल। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे हम मूवीज देखते हैं, तो मूवी में मान लीजिए कोई ऐसा मतलब हमने सीन देखा है, कोई ऐसी सिचुएशन देखी कि हम उसको खुद से रिलेट कर लेते हैं और फिर वही फीलिंग्स, वही सिचुएशन हम अपने ऊपर इंपोज कर लेते हैं या अज्यूम कर लेते हैं और हम उसको जीने लग जाते हैं, मतलब उस फीलिंग को महसूस करने लग जाते हैं। तो इसको कहते हैं विकेरियस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब दैट इज नॉट हैपनिंग डायरेक्टली टू यू, लेकिन आप उसको डेराइव कर रहे हो, ठीक है। एक और इसका सिनोनिम आप लिख सकते हो एम्पैथेटिक, विकेरियस। विकेरियस का मतलब एक्सचेंजेबल। कि विकेरियस का एक मतलब और भी होता है, मैं आपको बताऊँ। ये जो एक्सचेंजेबल है, मान लीजिए एक आपने देखा होगा कि एक मुस्लिम एक त्यौहार मनाते हैं, मुझे मतलब मैं एग्जांपल अपनी तरफ से दे रहा हूँ, एक्चुअली ये कितना सही है गलत है वो आप देख लेना। तो ईद, ईद जैसे मनाते हैं, तो ईद में क्या होता है, बकरे की कुर्बानी दी जाती है, जो बकरी ईद होती है। तो उसका बताते हैं ओरिजिन ऐसा है कि पैगंबर जो थे उनसे मतलब शायद किसी फरिश्ते ने, अल्लाह ने कहा कि भाई अपनी जो सबसे प्यारी चीज़ है उसकी कुर्बानी दो, तो उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए शायद वो तैयार हो गए थे, तो इस तरीके का था। अब लोग उसी को कमेमोरेट करते हैं और कुर्बानी देते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने बेटे की कुर्बानी नहीं देते, मतलब कोई बकरा जो होता है बकरीद दे देते हैं, मतलब बकरे की बलि दे देते हैं। तो ये क्या है, ये है विकेरियस काइंड ऑफ ऑफरिंग,
कि ये जो सेक्रीफाइस है विकैरियस सेक्रीफाइस है, कि मतलब आप किसी एक्सचेंजेबल हो गया, मतलब जिसकी कुर्बानी देनी है उसके ना देके आप दूसरी चीज़ की उसकी जगह पे कुर्बानी दे रहे हो, तो ये हो गया विकैरियस सेक्रीफाइस। ठीक है, विकैरियस का मतलब एक्सचेंजेबल। एग्जाम्पल देखिए, देयर आर मिलियंस ऑफ सच पीपल एज यूज टेलीविजन एज अ विकैरियस फॉर्म ऑफ सोशल लाइफ। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि रियल लाइफ में सोशली एक्टिविटीज या सोशल गैदरिंग से परहेज करते हैं, मतलब एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में वो सोशल नहीं है। ठीक, लेकिन वो टीवी देख देख कर ही अपनी सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लगता है कि वो अपनी सोशल लाइफ जो है वो टीवी देख कर ही पूरी कर लेते हैं। टीवी पर देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, वहाँ पे लोग सोशल लाइफ देख रहे हैं, तो उसी को अपनी मान लेते हैं कि ये हमारी सोशल लाइफ ही चल रही है। ठीक है, तो ये विकेरियस लाइफ जी रहे हैं वो लोग। बड़े एक अच्छा एग्जाम्पल होता है, जैसे कोई पर्सन है, कोई ऐसी चीज़ खा रहा है कि उसको देखकर हमारे मुंह में भी पानी आ गया, तो ये विकेरियस फीलिंग हो गई, विकेरियस काइंड ऑफ फीलिंग हो गई कि खा कोई रहा है, फील आप उसको अपने साथ होता हुआ कर रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, देयर आर मिलियंस ऑफ सच पीपल एज ए यूज टेलीविजन एज अ विकेरियस फॉर्म ऑफ सोशल लाइफ। ठीक है, ये हो गया इसका। नेक्स्ट आ गया फॉरगो। फॉरगो इज अ वर्ब, दिस वर्ड इज अ वर्ब, ये वर्ड एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है गिव अप, गिव अप, फॉरसेक, रेनाउंस, वेव, सरेंडर। फॉरगो कर देना मतलब किसी चीज को गमा देना या अपने आप छोड़ देना, या तो अपने आप त्याग देना या किसी चीज को सरेंडर कर देना, गमा देना। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ही वुड रिपीटेडली स्किप क्लास एंड फॉरगो डूइंग होमवर्क, कि वो रिपीटेडली क्लासेस को स्किप करता था और फॉरगो डूइंग होमवर्क, और जो होमवर्क था उसको नहीं करता था, मतलब ही वुड नॉट डू इट, गिव अप डूइंग होमवर्क, होमवर्क करने वो छोड़ देता था। क्यों? इन फेवर ऑफ स्लीपिंग फॉर डेज ऑन एंड, मतलब लगातार सोते रहने के लिए, दिन भर सोने के चक्कर में वो क्या करता था, अपनी क्लास को अक्सर स्किप कर देता था और जो होमवर्क होता था उसको नहीं करता था। ठीक है, एंड नॉट डूइंग मच ऑफ एनीथिंग, और बाकी कुछ भी नहीं करता था। उसके बाद आ गया पॉइंटेंट। पॉइंटेंट वर्ड एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है टचिंग, डिस्ट्रेसिंग, पीटीएस, पेनफुल, मॉर्नफुल। मतलब इसका मतलब हो गया कुछ ऐसा जो कि बड़ा ही मतलब सेंटिमेंटल टाइप का है, कि मतलब जिसको पढ़कर या जिसको देखकर या जिसको सुनकर मतलब आप पिटी फील करते हो, किसी के ऊपर आप आपके अंदर दया का भाव आ जाता है, ओह बेचारा। ठीक है, सो अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको मॉर्नफुल कर देती है, कि यू स्टार्ट फीलिंग मॉर्निंग, आप किसी के लिए मतलब शोक करने लग जाते हो, दुखी हो जाते हो, मतलब टचिंग टाइप का, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पॉइंटेंट। द मोर पर्सनल यू कैन मेक योर लेटर, कि आप अपने लेटर को जितना पर्सनल बना लोगे, द मोर पॉइंटेंट एंड कंपेलिंग इट विल बी, उतना ही ज़्यादा ये टचिंग और कंपेलिंग रहेगा, कि मतलब जो भी इसे पढ़ेगा, कि आप लेटर को जितना ही पर्सनल तरीके से लिखोगे, पर्सनली मतलब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे, तो पढ़ने वाला जो है वो उतना, वो ये लेटर उसके लिए उतना ज़्यादा पॉइंटेंट और कंपेलिंग हो जाएगा, कि उसको पढ़ने के लिए कंपेल करेगा और मतलब उसको टच करेगा, वो मतलब उससे प्रभावित हो जाएगा आपके लेटर को पढ़कर। नेक्स्ट वर्ड आ गया एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट इज अ वर्ब, दिस वर्ड इज अ वर्ब, एग्जॉर्ट एक वर्ब होता है। एग्जॉर्ट का मतलब होता है किसी से अपील करना, कुछ मतलब किसी को अपील करना, किसी से अर्ज करना कि वो वैसा करे जैसा आप चाह रहे हो। अर्ज हो गया, कॉल अपॉन हो गया, प्रेस करना हो गया, किसी को प्रेस करना हो गया, प्रेसराइज करना हो गया। ठीक है, गॉड, GOAD, गॉड। ठीक है, ये भी वर्ब होती है, नाउन भी होता है, गोड अंकुश होता है जिसको हाथी को कंट्रोल करने के लिए टूल यूज किया जाता है, बाकी वर्ब भी होती है। गोड करना मतलब किसी को मतलब पिंच करना कि वो वैसा करे जैसा आप चाह रहे हो। ठीक है, इनसाइट, स्पर, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एग्जांपल देखिए, द लीडर एग्जॉर्टेड हिज फॉलोअर्स, लीडर जो था उसने अपने फॉलोअर्स को एग्जॉर्ट किया, किस लिए? टू स्टे डिसिप्लिंड एंड ऑब्जर्व द गाइडलाइंस, कि वो डिसिप्लिन रहें और जो गाइडलाइंस हैं उनको ऑब्जर्व करें, उनका पालन करें। ठीक है, तो ऐसा लीडर ने क्या किया, ऐसा अर्ज किया अपने फॉलोअर्स से कि वो ऐसा करें जैसा उसने बताया है उन्हें करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड आ गया विंडिक्टिव। विंडिक्टिव इज एन एडजेक्टिव, द वर्ड विंडिक्टिव इज एन एडजेक्टिव। विंडिक्टिव एक एडजेक्टिव होता है, सॉर्डिड भी एडजेक्टिव होता है।
विंडिक्टिव का मतलब होता है बदलातुर, मतलब एक वर्ड होता है हिंदी में बदलातुर, मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसके अंदर बदले की भावना है, मतलब जो बदले की भावना बुरी भावना होती है, अच्छी भावना नहीं होती है, ठीक है? तो कोई ऐसा पर्सन जिसके अंदर किसी से बदला लेने की भावना है, जो बदला लेना चाहता है, उसको हम कहते हैं विंडिक्टिव। इसके सिनोनिम्स देखिए, रिवेंजफुल, स्पाइटफुल, ठीक है, रिसेंटफुल, अनफॉरगिविंग, ठीक है, रिवेंजफुल, स्पाइटफुल, रिसेंटफुल, अनफॉरगिविंग। तो ये हो गया विंडिक्टिव, जिसके अंदर दुर्भावना है, मतलब बुरी भावना है, ठीक है, बदले की भावना है। एग्जाम्पल देखिए, देयर वर ऑल्सो सम एलिगेशंस ऑफ डेलिबरेट एंड इवन विंडिक्टिव असॉल्ट्स ऑन एटलीस्ट टू ऑफ द रेजिडेंट्स। मतलब इस तरीके के एलिगेशंस भी लगाए गए, आरोप लगाए गए थे, किस तरीके के, कि डेलिबरेट एंड इवन विंडिक्टिव असॉल्ट्स, कि जानबूझकर, डेलिबरेट का मतलब सोच समझ के, प्लानिंग के साथ, और विंडिक्टिव का मतलब बदले की भावना से हमला किया गया, असॉल्ट का मतलब हमला, अटैक, ठीक है, कि दो रेजिडेंट्स जो थे, एटलीस्ट दो रेजिडेंट्स जो थे, उन पे जो हमला किया गया था वो बदले की भावना से प्रेरित था, ठीक है, और डेलिबरेट था, जानबूझ के किया गया था, ठीक। नेक्स्ट वर्ड आएगा सॉर्डिड। सॉर्डिड का मतलब ऐसा होता है कि जो कुछ मतलब अनैतिक है, मतलब जो मॉरल वैल्यूज हैं या मॉरल, जो मॉरल मॉरलिटी का कोड है वो उसके अगेंस्ट है, मतलब अनैतिक है, ठीक, डिबेस्ड, फाउल, वाइल, ठीक है, इग्नोबल, शेमफुल। तो डिबेस्ड का मतलब कुछ ऐसा जो कि नैतिक रूप से, मतलब नैतिक रूप से जो कि खराब है, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, दिस सॉर्डिड इंसिडेंट ऑफ हर राइज, कि जो उसका मतलब जो बढ़ना हुआ ना, ठीक है, एंड द इंसोलेंस विद विच सी यूज्ड हर ट्रायंफ, जिस मतलब इंसोलेंस का मतलब होता है ढीठता, ठीक है, इम्पोलाइटनेस, तो जिस इंसोलेंस के साथ में उसने अपनी मतलब ट्रायंफ, जो उसकी विजय थी, उसका यूज किया, जिस मतलब घमंड के साथ उसने यूज किया, ठीक है, हैड एलिनेटेड ऑल हार्ट्स, तो उससे क्या हुआ, जितने भी लोग थे वो सब उससे दूर हो गए, एलिनेट हो गए मतलब उससे दूर हो गए, उस अनहैप्पी वुमेन से, ठीक है। तो सॉर्डिड का मतलब हो गया अनैतिक, जो उसने गलत तरीके के, गलत तरीकों से जो उसने अपनी, उसकी जो तरक्की हुई, उसने जो मतलब सफलता पाई, और फिर जो उसने अपनी सफलता थी उसको जिस घमंड के साथ में यूज किया, उससे जो लोग थे वो उससे दूर हो गए। सॉर्डिड का मतलब अनैतिक, गलत तरीके से किया गया काम, ठीक। नेक्स्ट आ गया एलिजेंस। एलिजेंस वर्ड होता है, एलिजेंस ये नाउन होता है, और एलिजेंस का मतलब होता है एक तरीके से वफादारी, ठीक है, किसी को लेकर डेडिकेशन, डिवोशन, कि हम तुम्हारे साथ हैं, एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसका सिनोनिम अगर आप देखें, फिडेलिटी, फिल्टी, फेथफुलनेस, डिवोशन, अडेरेंस, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एलिजेंस का मतलब हो गया कि मतलब किसी के सपोर्ट में होना, एक तरीके से सपोर्ट हो गया एलिजेंस का मतलब, कि हम तुम्हारे साथ हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह होती है ना, तो छोटी पार्टीज उनके साथ में हो जाती हैं, तो वो एलिजेंस हो गया कि हम तुम्हारे साथ में, मतलब ठीक है, सपोर्ट। मीनवाइल द रिमोट प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर, जो एम्पायर था, साम्राज्य था, उसके जो रिमोट प्रोविंसेस थे, जो दूर दूर के प्रांत थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, बिगेन टू थ्रो ऑफ देयर एलिजेंस टू द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे, उनको लेकर जो उनकी मतलब फिडेलिटी थी, उनकी जो लॉयलिटी थी, ठीक है, तो उन्होंने एक लॉयलिटी वर्ड इसमें और लिख लेना कहीं पे बच्चों, तो ज्यादा अच्छा याद रहेगा आपको। तो जो उनकी वफादारी थी वो उन्होंने फेंक दी, मतलब मानने से मना कर दिया, जो जैसे दिल्ली का जो सुल्तान था, तो जो दूर दूर के प्रोविंसेस थे, प्रांत थे, वहां के जो छोटे मोटे राजा हुआ करते थे, जो उसके अंडर में थे, उन्होंने क्या किया, उसकी मतलब फिडेलिटी जो थी थ्रो ऑफ कर दी, ठीक है, मतलब उसकी अवज्ञा करनी उन्होंने शुरू कर दी, उसको मानना बंद कर दिया, ठीक। फिर आगे इम्बेसिल। इम्बेसिल वर्ड जो होता है ना, नाउन एडजेक्टिव दोनों ही होता है बच्चों, ये नाउन भी होता है और ये एडजेक्टिव भी होता है। इस वर्ड का यूज एज ए नाउन या एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है किसी ऐसे पर्सन को रेफर करने के लिए जो कि मंद बुद्धि हो, मतलब जैसे
तुम समझ गए होगे मंदबुद्धि का मतलब, शार्प माइंड ना हो, मतलब जिसको हम हिंदी में स्टूपिड कहते हैं, मतलब हिंदी में नहीं इंग्लिश में स्टूपिड कहते हैं, जिसको स्टूपिड कहते हैं ऐसा कोई पर्सन। तो इम्बेसिल के सिनोनिम देखिए क्या हो सकते हैं, इडियट, ठीक है। और एक इंग्लिश में बड़ा अच्छा वर्ड होता है निनकॉम्पोप, ठीक है। एक और वर्ड होता है डिम्बिट, फूलिश, स्टुपिड, ठीक है, मैड, तो इम्बेसिल का मतलब हो गया। एक और वर्ड अक्सर तुम लोगों ने इंग्लिश की मूवीज वगैरह देखते होगे तो सुना होगा कई बार, मोरोन, MORON, ठीक है। तो इम्बेसिल का मतलब, ये एडजेक्टिव भी होता है और नाउन भी होता है, ध्यान देना, ये निनकॉम्पोप, इडियट, ये नाउन होते हैं, ठीक है। डिम्बिट भी नाउन है, फूलिस है, स्टुपिड ये एडजेक्टिव है, मैड एडजेक्टिव है, मोरन एडजेक्टिव है, तो वो मिले जुले हो गए। तो इम्बेसिल वर्ड नाउन एडजेक्टिव दोनों ही होता है, और इसका मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो मतलब मूर्ख टाइप का है, ठीक है। व्हेन हिज फादर बिकेम इम्बेसिल इन 1848, जब उसके जो पिताजी थे वो इम्बेसिल हो गए 1848 में, मतलब उसके पिताजी का दिमाग काम करना बंद कर दिया, मूर्खता वाली हरकतें करने लग गए, ठीक है, उनकी समझ खत्म हो गई, इसका मतलब ये है। ही वेंट इनसेन, जब वो इनसेन हो गए। When his father became imbecile in 1848, he held the regency till his own death on the 10th of November 1848. कि जब उसके पिताजी 1848 में imbecile हो गए, ठीक है, डिम्बिट हो गए, उनका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। कई बार होता है ना आदमी को कोई चोट लग गई या कुछ ऐसा खा पी लिया, उसका दिमाग कट गया, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो उसकी रीजेंसी थी उसने अपने कंट्रोल में ले ली 10 नवंबर 1948 को, और कब तक उसने अपने होल्ड में रखी रीजेंसी, अपनी मौत तक, ठीक। तो ये थे कुछ अच्छे वर्ड्स, और इनके सिनोनिम्स हमने डिस्कस किए, एग्जाम्पल्स डिस्कस किए। ये जो हमने डिस्कस किया है इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF अपलोड है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा फर्दर प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको दोबारा इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। और ये हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, इन पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कोई क्वेरी है, कुछ सजेशन है, एनीथिंग। और बाकी कीप एंजॉइंग लर्निंग इंग्लिश, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीबडी, बाय।